बहुत समय पहले की बात है, एक अकेला हाथी एक अजीब जंगल में बसने आया। यह जंगल उसके लिए नया था और वह दोस्त बनाने के लिए देख रहा था। वो सबसे पहले एक बंदर के पास गया और उसने कहा, नमस्ते बंदर भैया, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? बंदर ने कहा, तुम मेरी तरह झूल नहीं सकते क्योंकि तुम बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। इसके बाद हाथी एक खरगोश के पास गया और वही सवाल पूछा। खरगोश ने कहा, तुम मेरे बिल में फिट होने के लिए बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। फिर हाथी तालाब में तैरने वाले मेंढक के पास गया और वही सवाल पूछा। मेंढक ने उसे जवाब दिया, तुम मेरे जितना ऊंचा कूदने के लिए बहुत भारी हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। हाथी उदास हो गया क्योंकि वह बहुत कोशिश के बावजूद दोस्त नहीं बना पाया। फिर एक दिन सभी जानवर जंगल में इधर उधर दौड़ रहे थे। ये देखकर हाथी ने दौड़ रहे एक भालू से पूछा, क्या हुआ, आप सभी ऐसे क्यों भाग रहे हो? भालू ने कहा, जंगल का शेर शिकार पर निकला है, वे खुद को उससे बचाने के लिए भाग रहे हैं। ऐसे में हाथी शेर के पास गया और कहा कि कृपया इन निर्दोष लोगों को चोट न पहुंचाओ, कृपया उन्हें अकेला छोड़ दो। शेर ने उसका मजाक उड़ाया और हाथी को एक तरफ चले जाने को कहा। तभी हाथी को गुस्सा आ गया और उसने शेर को उसकी सारी ताकत लगाकर धक्का दे दिया, जिससे वह घायल हो गया और वहां से भाग गया। सभी जानवर धीरे धीरे बाहर आ गए और शेर की हार को लेकर आनंदित होने लगे। वे हाथी के पास गए और उसे कहा, तुम्हारा आकार एकदम सही है हमारा दोस्त बनने के लिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक व्यक्ति का आकार उनके मूल्य का निर्धारण नहीं कर सकता। Please like, share and subscribe for more videos.